हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप। आप देख रहे हो सैंड यूट्यूबर चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं एक 2.1 प्री एम्पलीफायर बोर्ड लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए। तो ये हमारा 2.1 बोर्ड है, ये मेन वॉल्यूम है, बास का नहीं, ये ट्रेबल का मैं बता रहा हूँ। वॉल्यूम है, ट्रेबल है और ये मिड है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों साबूफर का ये वॉल्यूम है और ये फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पर दोस्तों 3 NE5532 IC लगा हुआ है और यहाँ पर 12012 ड्यूअल सप्लाई पर ये काम करता है। और ये इनपुट है राइट लेफ्ट ग्राउंड, जो कि मेरे मोबाइल से ऑक्स से कनेक्ट है। और यहाँ पर से राइट लेफ्ट ग्राउंड आउटपुट है, ठीक है। और ये जो आउटपुट है दोस्तों, और यहाँ पर साबूफर आउटपुट है दोस्तों, ठीक है, ग्राउंड और साबूफर। तो इसको मैं दिखाऊंगा दोस्तों आप लोगों को टेस्ट करके बाउंसो एम्पलीफायर पे, एम्पलीफायर बोर्ड पे। तो इसको चलाने के लिए मैंने यहाँ पर 12012 750 mAh का यूज़ किया है, यहाँ पर ब्रिज लगाया है, ठीक है। तो चलिए पहले साउंड टेस्ट कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद इसका ओवरव्यू दिखाऊंगा। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो, वीडियो देख रहे हो, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप लोग इस बोर्ड को घर पर बनाना चाहते हो तो इसका जो PDF लेआउट है, PCB लेआउट है, वो मेरे पास है। तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आप लोगों को दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। और अगर आप लोग इस बोर्ड को खरीदना चाहते हो तो इस बोर्ड का भी प्राइस बताऊंगा अंत में, ठीक है। तो चलिए पहले मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ। और इसका जो आउटपुट है दोस्तों, वो मेरे यहाँ पर एक 5200 का एम्पलीफायर है दोस्तों, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। ये हमारा स्टीरियो एम्पलीफायर है दोस्तों, ठीक है, दो चैनल में, एक राइट और एक लेफ्ट। और यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है जो कि 24024 है, 5 एम्पियर। और यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। और यहाँ पर हमारा साबूफर है दोस्तों, जो कि 6 इंच का है और 80 वाट का है, ठीक है, ये हमारा साबूफर है। तो चलिए पहले मैं इसका साउंड टेस्ट करके आप लोगों को सुना दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फ़ोन से कनेक्ट करता हूँ दोस्तों ऑक्स से, उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, ये अभी मेरे मोबाइल से कनेक्ट है, तो चलिए सॉन्ग को प्ले करते हैं। ये हमारा दोस्तों मेन जो है वॉल्यूम है और ये हमारा ट्रेबल है। ये हमारा मीड है और ये हमारा साबूफर है जो कि फूल है, यहाँ पर देख सकते हो। इसको मैं खोल के दिखा रहा हूँ दोस्तों, फिर पता चलेगा आप लोगों को। यहाँ पास ही बेस चल रहा है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूँ मैं। खतरनाक बेस है दोस्तों, और यहां पर मैं साउंड को बढ़ाता हूं। खतरनाक साउंड दे रहा है दोस्तों ये साबूफर में। और इसका जो नॉर्मल स्पीकर है वो भी काफी अच्छा चल रहा है दोस्तों, ठीक है। साबूफर आउटपुट दोस्तों इसका बढ़िया है। तो दोस्तों बस यही दिखाना था। तो चलिए, अभी और सॉन्ग नहीं सुना सकते हैं आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, अभी इसको खोल लेते हैं कनेक्शन, उसके बाद में इसका ओवरव्यू दिखा रहा हूँ दोस्तों और इसका प्राइस भी बता रहा हूँ, ठीक है।
तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर मैंने इस सर्किट को निकाल लिया है, एकदम कनेक्शन अलग कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये ओरिजिनल दोस्तों NE5532 IC है, 3 IC से ये बना हुआ है और यहाँ पर PF कैपेसिटर है दोस्तों। पूरा का पूरा खेल ये कैपेसिटर का ही है, PF का ही है। और यहाँ पर दोस्तों सभी पोटेंशियोमीटर 100K का है। यहाँ पर राइट लेफ्ट ग्राउंड इनपुट है दोस्तों यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर ये हमारा जो 12012 का कनेक्शन है, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों राइट लेफ्ट ग्राउंड आउटपुट है, ये ग्राउंड है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर सबवूफर आउटपुट है और ग्राउंड है, ये ग्राउंड और ये सबवूफर आउटपुट दोस्तों। ये वाला जो ये वाला कैपेसिटर है, इसके प्लस पॉइंट से आउटपुट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यही कनेक्शन है दोस्तों। और इसका जो फ्रीक्वेंसी है सबवूफर का, बढ़िया फ्रीक्वेंसी है दोस्तों, आप लोगों ने देखा, बढ़िया सा काम कर रहा है ये। और इसका बेस ट्रेबल भी, बेस ट्रेबल मतलब इसका जो मिड, ये मिड है, मिड भी काफी अच्छा है दोस्तों। और इसका ट्रेबल भी काफी सॉफ्ट है और ये मेन वॉल्यूम है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये जम्पर है, जम्पर से यहाँ पर इसका जो इनपुट है दोस्तों मेन वॉल्यूम से, ये इनपुट दोस्तों डायरेक्ट बेस पर जा रहा है, ताकि बेस सर्किट पर, ताकि दोस्तों बेस सर्किट अलग से काम करे। यहाँ पर ट्रेबल का वॉल्यूम कम करते हुए भी बेस अच्छा रहेगा दोस्तों, ठीक है, बेस का वॉल्यूम कम नहीं होगा। तो दोस्तों अगर इस सर्किट बोर्ड को आप लोग खरीदना चाहते हो, इसका जो प्राइस है दोस्तों 500 रुपये है ओनली, डिलीवरी चार्ज अलग से दोस्तों। और अगर आप लोग इसका PCB लेआउट चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा दोस्तों, मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही था, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में कुछ अच्छा चीज दिखाने की कोशिश में रहूंगा आप लोगों को। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिएगा, अच्छा रहिएगा और देखते रहिएगा दोस्तों मेरा ये चैनल सैंडी यूट्यूबर। चैनल को अच्छा लगे तो दोस्तों जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा।